हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टडीनेस। मैं इस वीडियो में बात कर रही हूँ आईबीपीएस पीएस पीओ मेंस 2019 के रिजल्ट के बारे में। उसका कल रिजल्ट स्टेटस आ गया है और मैं अपने रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो मेरा क्लियर नहीं हुआ। मैं शॉर्टलिस्ट नहीं हुई हूँ पीओ मेंस मेरा क्लियर नहीं हुआ। मैं इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं हुई हूँ। और अगर मैं अपने अटेम्प्ट्स के बारे में बात करूँ तो मैंने जीएमए किए थे टोटल अराउंड 26 क्वेश्चंस और उनमें 5 or 6 जो क्वेश्चंस थे वो मेरे गलत गए थे, मैंने आंसर चेक किए थे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इंग्लिश में, मैंने 22 किए थे। इसमें भी मैं अपनी एक्यूरेसी की बात करूँ तो अराउंड 85% मेरी एक्यूरेसी रही होगी। और अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो मैंने इसमें 11 किए थे और उसके बाद एप्टीट्यूड में मैंने 12 किए थे। और इन दोनों की एक्यूरेसी की बात करूँ तो इसमें मैं अपनी 85 के अराउंड एक्यूरेसी मानूँगी टोटल। तो मेरे टोटल अटेम्प्ट्स थे 71 थे पीओ मेंस 2019 में मेरे 71 टोटल अटेम्प्ट्स थे। तो अब रिज़ल्ट अभी स्टेटस या है, एग्ज़ाम के मार्क्स तो नहीं आए। जब मार्क्स आएंगे तब पता चलेगा कि किस वजह से क्लियर नहीं हुआ है। सेक्शनल कट ऑफ की वजह से नहीं हुआ है या फिर ओवरऑल कट ऑफ नहीं हुआ है, पता नहीं क्या होगा कट ऑफ। अभी अगले हफ्ते तक मार्क्स आ जाएंगे तब पता चलेगा। और अगर मुझे ये भी डाउट है कि शायद मेरा डिस्क्रिप्टिव ना क्लियर हुआ हो, क्योंकि मेरा लेटर में लिख नहीं पाई थी पूरा, 2-3 लाइनें लिख पाई थी, ऐसे लिख दिया था पर लेटर नहीं हुआ था। तो इसकी वजह से शायद डिस्क्रिप्टिव का जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते वही क्लियर नहीं हो, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। कुछ कह नहीं सकते, वो स्कोर आने के बाद पता चलेगा। और जिन लोगों का भी पीओ मेंस क्लियर हो गया, जो भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, उन सबके लिए उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन और बेस्ट ऑफ लक फॉर देयर इंटरव्यू। अच्छे से अपने प्रिपेयर करें इंटरव्यू के लिए। आप मार्क्स के बारे में मत सोचिए, जितने भी मार्क्स हों आपके उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने इंटरव्यू के लिए बेस्ट दीजिए, फाइनल सिलेक्शन हो सकता है आपका। आप मार्क्स के बारे में मत सोचिए इंटरव्यू के लिए, बस अपने कॉन्फिडेंस से आपको इंटरव्यू देना और प्रिपेयर शुरू कर दीजिए, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। और अब जिन लोगों का नहीं हुआ है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे जिनका नहीं होगा, तो हाँ, आपको ज़्यादा डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं। अब आगे आने वाले एग्ज़ाम पर फोकस कीजिए। आगे RBI है, SBI क्लर्क भी आ चुका है और उसके बाद हमारे पास है SSC CGL। SSC CGL की बात करूँ तो मेरा मेन फोकस SSC CGL पे होगा। मैं इसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन शुरू कर दिया, मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, इसका मेरा मेन फोकस है SSC CGL में जाने का। और आप लोग भी पुराने रिजल्ट्स के बारे में मत सोचिए और आगे बढ़ जाइए और आगे की प्रिपरेशन आगे पे फोकस कीजिए कि आपको 2020 में एक जॉब मिल जाए, एक सिलेक्शन हो जाए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल एग्जाम स्टडीनेस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।